बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, केदारनाथ पैदल मार्ग पर फंसे कांवड़ियों से जुड़ी है जानकारी है। सीएम धामी के अनुरोध पर केंद्र की तरफ से मदद भेजी गई है, क्योंकि कुछ यात्री वहां पर फंसे हुए हैं। ऐसे में वायुसेना के चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू होगा, क्योंकि हरीश जानकारी इस वक्त हमें दे भी रहे थे। केदारनाथ पैदल मार्ग पर 2000 से ज्यादा कांवड़िए फंसे हुए हैं, तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। और एक बार फिर से हरीश का रुख कर लेते हैं। हरीश, 2000 से ज्यादा कांवड़िए हैं जो केदारनाथ मार्ग पर फंसे हुए हैं, और ये कहा जा रहा है कि सेना की मदद ली गई है, जैसे कि आप बता भी रहे थे, चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर से इनका रेस्क्यू होगा। कितनी देर में रेस्क्यू शुरू होने वाला है या फिर अभी वहां पर रेस्क्यू चल रहा है, क्या जानकारी? प्रीति, देखिए, सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर और MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से शुरू हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है प्रीति कि गौरीकुंड जो केदारनाथ का मुख्य पड़ाव है, गौरीकुंड से केदारनाथ जाने के लिए एक ही मार्ग है जो ध्वस्त हुआ है, इसलिए वहां पर SDRF सेना की मदद ली गई है कि और कोई विकल्प नहीं है जो यात्री उनको सुरक्षित निकालने का। तो बड़ी बड़ी जो चट्टाने हैं पहाड़ियों के जरिए उनको निकाला जा रहा है। पहाड़ का जो भूगोल है वो इस तरीके का है कि जो मार्ग होते हैं वो बहुत विषम परिस्थितियों में बनाए जाते हैं, जो केदारनाथ पैदल मोटर मार्ग है। तो ऐसे में जो है सेना की मदद ली गई है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उनके अनुरोध पर केंद्रीय गृह मंत्री ने यहां पर और रक्षा मंत्रालय की ओर से यहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर और MI-17 भेजा गया है। तो अभी भी कुल मिलाकर सरकार की यही प्रयास है कि जो वहां पर पैदल मोटर मार्ग में जो कांवड़िए फंसे हुए हैं या श्रद्धालु फंसे हुए हैं, उनको निकालना उनकी पहली प्राथमिकता है। लग जाएगा हरीश।